बच्चों आप अपने करेंगे गुणनखंड करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है, नौ एक्स की स्केयर माइनस 25, नौ के टुकड़े करेंगे क्या आ जाएगा, नौ किसका होता है, तीन का स्केयर और एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ थ्री एक्स की स्केयर, थ्री का करेंगे नौ एक्स को करें, और माइनस पाँच किसका होता है 25 का, यानी 5 की स्केयर, तो ये कौन सी सरल समीकरण बन गई, ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर इजकल टू क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की संसर्ग का क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये है ए की स्केयर और माइनस ये क्या है बी की स्केयर, यानी एक बार प्लस में लिखेंगे थ्री एक्स माइनस के पाँच, एक बार प्लस में और एक बार लिखेंगे थ्री एक्स माइनस के पाँच, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है दस एक्स की स्केयर प्लस 12xy, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका गुणनखंड करना है, तो इसमें क्या होगा, अब इसका कोई 10 किसी की स्केयर नहीं होती, तो इसमें जो कॉमन आए वो ले लेंगे, 10 और 12 दोनों किसकी टेबल में आता है, दो की, तो दो इसमें कॉमन आ गया, इसमें एक्स स्केयर है, इसमें एक्स है, यानी कौन कॉमन आ गया, एक्स, तो क्या बचा, एक एक्स बचा, यहाँ पे कितना एक्स बचा, पाँच एक्स, ठीक है, दो की टेबल में पाँच पे आता है, एक्स की स्केयर में से एक एक्स बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स, ठीक है, पाँच एक्स प्लस दो की टेबल में बारह कितने पे आते हैं, छः, एक्स ये बाहर आ गया, तो क्या बचा, छः, तो गुणनखंड क्या हो गया इसका, दो एक्स और सेकंड है पाँच एक्स प्लस के छः वाई, तो ये क्या हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया। फर्स्ट में सर्वसम्मी का यूज हुई है ए की स्केयर माइनस की बी की स्केयर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस, इस हिसाब से अपने खोला है। सेकंड में कोई सर्वसम्मी का नहीं, इसमें कॉमन लेके करेंगे, जो दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, और साथ में दोनों दो की टेबल में है, तो इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है, तो इसमें से दो कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा, पाँच एक्स की स्केयर में से एक्स बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स बचा, तो फाइव एक्स प्लस बारह की दो की टेबल में बारह छः पे आता है, एक्स पहले से बाहर है, अंदर क्या बचा, वाई बचा, तो इसमें कॉमन क्या है, दो एक्स पाँच एक्स प्लस वाई, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वापस सेम संख्या क्या होगी, रिपीट होगी,